वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और हम लोग चल रहे हैं इस समय 10th क्लास के चैप्टर विद्युत पे, विद्युत धारा, विद्युत करंट। सभी आप जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा ही है जिसके कारण हमारे घरों में रोशनी होती है, पंखे चलते हैं और जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे चलते हैं, चाहे वो आपकी चिमनी हो या कोई भी चीज़ हो, तो सभी विद्युत धारा से ही चलते हैं। हमारे एसी, कूलर सब विद्युत धारा से चलते हैं। तो विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया और आज मैं बताने जा रही हूँ चुंबकीय, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव और चुंबक। चुंबक क्या चीज़ होती है? प्रभाव मैंने आपको बताया था कि जब विद्युत धारा बहती है तो उसके आसपास जो है एक चुंबकीय क्षेत्र अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण अगर हम कोई दिक् सूचक सुई रखते हैं तो आसपास वो घूमना शुरू कर देती है। अब आज बताने जा रही हूँ मैं आपको कि चुंबक क्या होता है, चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक क्या होता है। चुंबक वो चीज़ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक क्या है? चुंबक पहला गुण है इसका, चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये इसका गुण है, अपनी ओर आकर्षित करता है। एक सामने आपको दिखाया गया है, ये चुंबक है, नाल चुंबक है। ये इसके दो ध्रुव होते हैं, एक एन उत्तरी और एक दक्षिणी। चुंबक के दो ध्रुव हैं, दो ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी व एन कहलाता है नॉर्थ या उत्तरी, और दूसरा है उत्तरी व दक्षिणी साउथ, दक्षिणी ध्रुव। तीसरी चीज होती है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अपने आपने ऐसे करके एक धागे से बांध के चुंबक को लटका दिया तो उसकी ठहरने की दिशा क्या होगी? उत्तर दक्षिण, है ना। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम लटका देते हैं तो लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक दिखाया गया है, ये उत्तरी उत्तरी ऐसी लटका देंगे अगर हम ऐसे करके तो ये कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। अगर हम इसके पास में दूसरा चुंबक लाएंगे, एन माना हम एन लाएंगे, है ना, दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाएंगे तो ये एक दूसरे से पीछे हटेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, यानी क्या करेंगे कि आकर्षित ना करके प्रतिकर्षित करते हैं ना। चुंबक के दो उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल्शन पैदा होता है, अट्रैक्शन ना पैदा होके इस प्रतिकर्षण पैदा होता है, प्रतिकर्षित करते हैं, हट जाएगा। अगर आप एक चुंबक के पास दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाओगे, उत्तरी ध्रुव के पास, तो पीछे हटेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, पीछे हट जाएगा। और यदि चुंबक का हम अपोजिट पोल्स लाएंगे, यानी उत्तर और दक्षिण पास करेंगे, यानी अगर यहाँ पर हम एन लाएंगे, यहाँ पर एन लाएंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एन अगर यहाँ आएगा तो एक दूसरे से चिपक जाएगा, है ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के, है ना, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एकदम जुड़ जाएंगे। अगर आप दो चुंबक लेंगे, एक का एन दूसरे का एस मिलाएंगे तो यूं एकदम जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे,
लेकिन यदि हम एन के पास में एन लाएंगे तो पीछे को हट जाएगा। इसी प्रकार से लोहे की धातु का बना कोई कील लाइए आप लोहे की, या बुरादा लाइए लोहे का, तो वो चुंबक से चिपक जाएगा। चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित माने हटाना और आकर्षित करना, एक दूसरे को आकर्षित करना करते हैं। आपको मैंने बताया चुंबक लोहे की बनी वस्तु को आकर्षित करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ये कहलाता है करता है, आकर्षित करते करते हैं। इसको ठीक से लिख देती हूँ मैं, करते हैं। ठीक है, अगला है छठा, इसका पॉइंट है विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दो सेम ध्रुव जो होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे कि एक दूसरे से रिपल्स होंगे और विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों ध्रुव, जो ध्रुव चुंबक का स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर की ओर ठहरता है, उत्तर दिशा में, चार दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा उत्तरी ध्रुव कहलाएगा चुंबक का, और जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसको हम दक्षिणी ध्रुव उसका कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जो दोनों ध्रुवों को मिला के निकलती है वो कहलाएगी चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और क्या इसके अलावा क्या होगा कि जिधर जो है वो चुंबक के निकट का वो बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है उसे ध्रुव कहते हैं। चुंबक के निकट का वो बिंदु, वह बिंदु जहां आकर्षण बल अधिक होता है क्या कहलाता है, जहां पर अधिक आकर्षण बल होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहलाता है। ये आपको बता दिएगा, आर कहलाता है। बच्चों मेरे चैनल को आप जो है लाइक करें, शेयर करें एवं बताएं सब अन्य बच्चों को, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।